ओके, तो इस पूरे वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे सिम एंड रिम इंस्ट्रक्शंस। तो हम इस सिम एंड रिम इंस्ट्रक्शन को दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। तो उसके फर्स्ट हम देख रहे हैं, फर्स्ट पार्ट में देखेंगे सिर्फ सिम इंस्ट्रक्शंस, अगले पार्ट में देखेंगे रिम इंस्ट्रक्शन। ओके, तो सिम इंस्ट्रक्शन ऑब्वियसली हम क्या करने वाले हैं, द परफॉर्म इज सेट इंटरप्ट मास्क, यानी हम इंटरप्ट को मास्क करेंगे और उसकी वैल्यू को सेट करेंगे। मास्किंग, अब मास्किंग मतलब क्या होता है, मास्किंग का मतलब है कि जैसे अगर आप कोई, ऑब्वियसली इसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है कि आप मास्क का मतलब होता है मुखौटा, यानी मुखौटा यानी कि जो चेहरे के ऊपर अगर लगा देते हैं तो एक्चुअल जो चेहरा होता है वो नहीं दिखता है, जो मुखौटे में बना हुआ चेहरा होता है वो दिखता है। तो मास्क का भी मतलब यहाँ यही हो रहा है कि मान लो कि ये D0 से लेकर के D7 तक के बिट्स हैं, तो मैं D0 को अगर मास्क कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि अगर एक्चुअल वर्क इसका जो होगा वो काम ये नहीं कर पाएगा, और मास्क करने के बाद जो मास्क किया हुआ वैल्यू का है, यानी मास्क किया हुआ जो काम है उसके अकॉर्डिंग ये काम करेगा, जिसने मास्क किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये काम करेगा। तो मास्किंग का सेंस ये होता है। अब देखो D0 से लेकर के D7 तक सारे ये वैल्यूज हैं, इनमें हम वैल्यूज देकर के स्टार्ट करें, यानी मास्क M5.5, M6.5, M7.5, ये तीन वैल्यूज हैं। अगर इनकी वैल्यू, ये सारे वैल्यू मास्क हैं, मतलब इनकी वैल्यू कोई और कंट्रोल कर रहा है, तो ये डिपेंड किस पे करेगा, ये 5.5, 6.5, 7.5, ये तीनों ही मास्क हैं, यानी इनको कंट्रोल कोई और करेगा, ये खुद से कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं अभी। अब ये डिसाइड कौन करेगा कि भाई इनको मास्क करना है या इनको पूरी तरीके से ही इग्नोर कर देना है, यानी इनसे काम ही नहीं लेना है, तो ये डिसाइड करेगा थ्री, यानी MSE, यानी ये डिसाइड कर रहा है कि इन्हें ये मास्क सेट, एम फॉर मास्क एंड एसई फॉर सेट, तो MSE ये डिसाइड इन तीनों को कर रहा है कि भाई इनका, इनको मास्क करना है या फिर इन्हें पूरी तरीके से इग्नोर ही कर देना, मास्क ही नहीं करना है। तो MSE अगर इनकी वैल्यू जीरो है, MSE की वैल्यू यानी थर्ड बिट इसकी वैल्यू जीरो है, तो यानी हमें क्या करना है, जीरो से टू तक के वैल्यूज को इग्नोर कर देना, हमें उन्हें काउंटिंग कंसीडर नहीं करना है। और अगर इनकी वैल्यू वन है तो हमें क्या करना है, इन सारे को मास्क करना है, यानी इनकी वैल्यू सेट हो गई है, यानी इन तीनों को मुझे मास्क करना है। ओके, मतलब इनको किसी और के अकॉर्डिंग काम कराना है। अब फोर्थ वैल्यू देखो, ये फोर्थ है R7.5। R मीन्स रीसेट, यानी इसको रीसेट करना है, रीसेट इन द सेंस अगर इसकी वैल्यू वन है तो वन के कारण से हम क्या करेंगे, रीसेट कर देंगे सेवन, इस पिन को हम रीसेट कर देंगे, यानी हम ऑफ कर देंगे, अगर इसकी वैल्यू वन हो रही है तो रीसेट ऑफ इस वैल्यू को हम कर देंगे। ओके, अब फाइव, ये ब्लॉक, अगर ये ब्लॉक होता है कम्प्लीटली इग्नोर्ड, यानी इसमें कोई भी वैल्यू नहीं है, ये कम्प्लीटली इग्नोर्ड वैल्यू होती है, इसमें कुछ भी वैल्यू नहीं होता, कोई ऑपरेशन नहीं करता है। सिक्स ब्लॉक देखो आप, SDE, ये और ये एक दूसरे को लिंक अप किए होते हैं, इसकी वर्किंग सेवन्थ वाले ब्लॉक की वर्किंग डिपेंडेंट होती है सिक्स पे। कैसे, अगर इस सिक्स वाले की वैल्यू जीरो है, ओके, तो ये सेवन्थ वाला जो वैल्यू है ये आउटपुट को डिसाइड करता है, सीरियल आउटपुट डाटा। तो सीरियल आउटपुट डाटा अगर इसकी सिक्स वाले की वैल्यू जीरो है तो ये सीरियल आउटपुट डाटा नहीं देता है और इग्नोर कर देता है, और अगर इस सिक्स वाले की वैल्यू वन है तो वो क्या करता है, सेवन वाले से आउटपुट लैच कराता है, यानी डाटा को लैच कराता है, डाटा को, आउटपुट डाटा को लैच कराता है। ओके, सो दिस ऑल वाज अबाउट द सिम सेट इंटरप्ट मास्क। फॉर द फर्दर वन दैट मीन्स अबाउट द रिम, फॉलो द नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो डू सब्सक्राइब दिस वन।